Yes, that's a shot we were talking about. What a shot. क्रिकेट की लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाएं। केप टाउन में होने वाले तीसरे टेस्ट से हनुमा विहारी और ऋषभ पंत की हो सकती है छुट्टी। खबरों के मुताबिक विराट के साथ रिद्धिमान साहा कर सकते हैं वापसी। टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज वसीम जाफर ने दिया बड़ा बयान। जोहानसबर्ग टेस्ट में विराट की गैर मौजूदगी के दौरान राहुल की जगह रहाणे को बनाना चाहिए था कप्तान। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने केप टाउन टेस्ट के लिए बनाई अपनी प्लेइंग 11। हनुमा विहारी की जगह विराट कोहली को दी जगह। पुजारा रहाणे का किया समर्थन। आईसीसी ने दिसंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के नॉमिनेशन का किया ऐलान। भारत की तरफ से मयंक अग्रवाल का नाम इस लिस्ट में शामिल। एशेज के पांचवें टेस्ट में बेन स्टोक्स, जॉस बटलर और जॉनी बेयरस्टो के खेलने पर सस्पेंस। चोट की वजह से खेलना मुश्किल। होबार्ट में होगा आखिरी टेस्ट मैच। एशेज के सिडनी टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने दिया बड़ा बयान। ख्वाजा के मुताबिक उन्हें नहीं मालूम कि पांचवें टेस्ट में उन्हें मौका मिलेगा या नहीं। पूर्व कप्तान राम नरेश सरवन को वेस्ट इंडीज की सीनियर और युवा सिलेक्शन पैनल में सिलेक्टर बनाया गया है। बोर्ड में रहकर सरवन सुधारेंगे टीम का कलेवर। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे अपना आखिरी इंटरनेशनल टेस्ट मैच। आखिरी टेस्ट में जीत के साथ अपने करियर और दौरे को बनाना चाहेंगे यादगार। पूर्व ऑस्ट्रेलिया दिग्गज शेन वॉर्न अपनी डॉक्यूमेंट्री के जरिए मैच फिक्सिंग की खोलेंगे पोल। वॉर्न का दावा कि पाकिस्तान दौरे के दौरान पूर्व पाक कप्तान सलीम मलिक ने उन्हें रिश्वत का दिया था ऑफर। श्रीलंका के 30 साल के आक्रामक बल्लेबाज दानुष्का गुणातिलक ने वनडे और टी20 क्रिकेट पर ध्यान लगाने के लिए टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ।